हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ऑर्बिट पर मैं प्रीतम आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो यूपीपीसीएल TG2 एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो CPU। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है माइक्रोचिप। अगला प्रश्न, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण है आउटपुट। अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा। अगला प्रश्न, प्रोसेस डेटा को कहते हैं प्रोसेस। अगला प्रश्न, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक। तो यह सभी होगा इसका उत्तर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की क्षमता है सीमित। अब अगला प्रश्न, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम। अगला प्रश्न, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। अब अगला प्रश्न, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की। अगला प्रश्न, EDP क्या है? इलेक्ट्रो डाटा प्रोसेसिंग। अब अगला प्रश्न, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। अब अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को। अब अगला प्रश्न, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU द्वारा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अगला प्रश्न, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न, ATM क्या होता है? बिना स्टाफ के नकदी देने। अगला प्रश्न, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा। अब अगला प्रश्न, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में
कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। प्रोसेसर। अगला प्रश्न, प्रथम गणना यंत्र है। अबैकस। अब अगला प्रश्न, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? खेल के लिए। अब अगला प्रश्न, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? ब्लेज पास्कल। अब अगला प्रश्न, किसने पंचकार्ड का आरंभ किया? इनमें से कोई नहीं। अब अगला प्रश्न, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था? चार्ल्स बैबेज। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। अब अगला प्रश्न, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर। अब अगला प्रश्न, CRAY क्या है? सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? 3rd पीढ़ी। अब अगला प्रश्न, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? 1976 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सिद्धार्थ। अब कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों को अगले क्लास में देखेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।